हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हाईटेक क्लासेस। मैं हूं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं कि फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन ट्रिग्नोमेट्रिक का हमारा फर्स्ट पार्ट है, जो कि मैथमेटिक्स का जो सबसे ब्रॉड और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है त्रिकोणमिति। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और एक जीरो लेवल से शुरू करके हम लास्ट तक बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होता है और उसको सॉल्व कैसे करते हैं और उसका ट्रिकी तरीके से हम सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, जल्द से जल्द सॉल्व कैसे कर सकते हैं, कम समय में ब्रॉड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और त्रिकोणमिति के जो सूत्र होते हैं वो हम एक ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो त्रिकोणमिति अनुपात, मान लीजिए एक ट्रायंगल है यानी एक त्रिकोण है, तो ये वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं आधार और ये वाला जो पार्ट होता है उसको लंब बोलते हैं और इसको कर्ण, जो कि एक ये 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की जो अनुपात होगा वो क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो हम आधार को बी से डिनोट करते हैं, लंब को पी से, कर्ण को एच से, यानी कि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, ये हम ऐसे भी शॉर्ट ट्रिक पहले बता देते हैं उसके बाद इसको लिखते हैं। शॉर्ट ट्रिक है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये हमने शॉर्ट ट्रिक बनाया है, आप इससे याद रख सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसको याद रखने का एक तरीका है, ये साइन थीटा का सूत्र हो गया, ये कॉस थीटा का सूत्र हो गया और ये टेन थीटा का सूत्र हो गया। ये हमारा ट्रिक है जो कि एग्जामिनेशन में हमारा बहुत ही मदद करेगा, जिसको ये कंफ्यूजन होती है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो इससे मदद मिल सकती है। तो ये परपेंडिकुलर अपान ये हाइपोटेनस हो गया और ये कॉस थीटा बराबर बेस अपान हाइपोटेनस हो गया और टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस हो गया। अब ये साइन कॉस और टेन का वैल्यू तो हमें पता चल गया, इसका अनुपात हमको पता चल गया यानी रेशियो इसका पता चल गया। अब हमको इसी का जस्ट उल्टा, यानी साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस का टेन का उल्टा। तो साइन का उल्टा होता है वन अपन कॉस है, यानी साइन का उल्टा कॉस है थीटा, कॉस थीटा यानी वन अपन सेक थीटा इसको लिख सकते हैं, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट थीटा, यानी टेन का उल्टा होता है कॉट। तो हम यहां से इसको ये भी लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा का अनुपात क्या होगा, जस्ट इसी को पलट देंगे यानी हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर और सेक थीटा बराबर क्या होगा, यानी इसी को हम पलट देंगे, हाइपोटेनस अपान बेस हो जाएगा और कॉट थीटा बराबर क्या होगा, बेस अपान परपेंडिकुलर, यानी बेस अपान परपेंडिकुलर। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है, ये जीवन में कभी नहीं भूलेगा, सिर्फ आपको ये याद रखना है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये हमारा ट्रिक है। आप इससे याद कर रख करके ये साइन कॉस टेन और कॉसेक से कॉट का ये आप अनुपात निकाल सकते हैं और ये साइन का उल्टा होता है कॉसेक और कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट,
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन ये सूत्र होता है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको याद रखना है, ये तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। अब इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि ये साइन जीरो का मान, साइन थर्टी का, साइन फोर्टी फाइव का, यानी साइन कॉस टेन की वैल्यू कैसे हम याद रखें, इसका ट्रिक हम बताने वाले हैं। तो इसका जल्दी से शॉर्ट स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं आप त्रिकोणमिति सारणी हम बिना याद किए बनाते कैसे हैं, कैसे बना सकते हैं बिना याद किए। सिर्फ आपको तीन मान याद रखना है, तीन या चार मान याद रखना है, उसके बाद आप पूरी की पूरी सारणी आप बना सकते हैं। बहुत लोग इसका मान याद करने में बहुत तो घर में कर देते हैं और भूल भी जाते हैं, तो हम देखते हैं कि शॉर्ट तरीके से कैसे हम त्रिकोणमिति का पूरा मान निकाल सकते हैं। तो सिर्फ आपको साइन थीटा का वैल्यू ये याद कर लेनी है, उसके बाद पूरा का पूरा वैल्यू आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम याद रख सकते हैं या फिर बना सकते हैं। तो देखिए साइन जीरो का मान, जीरो ये हमको याद रख लेना है, साइन जीरो का मान जीरो होता है, और साइन थर्टी का 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 का मान 1। आपको बस इतना याद रखना है, इतना याद रखने के बाद अब कॉस थीटा का पूरा वैल्यू आप समझिए कि कैसे आप बना सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये वाला उठा करके यहां पे रख दीजिए, अब ये वाला उठा करके यहां पर रख दीजिए, अब ये वाला यहां पे रख दीजिए, ध्यान से देखिएगा, अब ये वाला उठा करके यहां पर रख दीजिए और ये वाला उठा करके यहां पर रख दीजिए। अब ये कॉस थीटा का पूरा मान बन गया। अब आपको टेन थीटा का पूरा मान चाहिए, तो जैसा कि हम जानते हैं सूत्र इसका होता है साइन थीटा बराबर टेन थीटा का, टेन थीटा का मान चाहिए। तो यहां पर देखें आप टेन थीटा बराबर हमने पढ़ा है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये होता है, ये सूत्र है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो जीरो बटे एक कर देंगे तो जीरो आ गया, इसमें इसका भाग दे देंगे तो ये दो से दो कैंसिल, एक बटे कर्डी में तीन, यानी 1/√3 आएगा, यानी इतना बटे इतना करेंगे, यानी एक ये कर्डिंग दो कट जाएगा, आएगा एक, इतना बटे इतना करेंगे तो कर्डी में तीन आएगा, और एक बटे जीरो करेंगे तो अनंत आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। अब टेन थीटा का मान निकल गया, अब आपको चाहिए कॉसेक सेक और कॉट का मान। तो जैसा कि हम जानते हैं अभी इसके पहले जस्ट बताए थे साइन थीटा का ये उल्टा होता है, यानी साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस थीटा का उल्टा सेक, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। तो साइन का उल्टा करेंगे यानी जीरो का उल्टा जीरो ही होगा, यानी इसका उल्टा कर देंगे, एक बटे दो है तो दो, इसका उल्टा करेंगे कर्डी में दो बटे एक, तो बटे एक नहीं लिखते हैं, इसका उल्टा करेंगे तो दो बटे कर्डी में तीन, और इसका उल्टा करेंगे तो ये कहीं आएगा। अब साइन का उल्टा कॉसेक हो गया, कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी इसका उल्टा कर देंगे एक, अब इसका उल्टा करेंगे तो दो बटे कर्डी में तीन, इसका उल्टा करेंगे तो कर्डी में दो,
इसका उल्टा कर दीजिए, 2/1 होगा, यानी कि 2 लिखेंगे, 0 का उल्टा 0 ही हो जाएगा। उल्टा मतलब ये आपको फार्मूले से पता चलेगा, साइन थीटा बराबर, अभी हम आपने अभी आपको लिखवाए थे साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, तो इसका अपोजिट यानी रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं, 1/0, 1/1/2 यानी 1/√2 यानी 1/ में इसको नीचे ले आ दे रहे हैं, उसके बाद जो सॉल्व कर रहे हैं ये आ जा रहा है। इसी तरीके से टेन थीटा का भी जब हम भाग देंगे यानी 1/0 तो ये अनंत आएगा, सॉरी इसका भी 1/0 जब करेंगे तो ये अनंत आ जाएगा, और 1/2 को हम भाग देंगे तो 2 आएगा, उसको अंडर √2 आ जाएगा, टेन थीटा का कर रहे हैं ना सॉरी, तो ये अंडर √3 आएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये 1/√3 आएगा, और ये इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट ही आ जाएगा, ये 10 का उल्टा कर दिए तो cot थीटा आ गया। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा चार्ट तैयार हो गया, सिर्फ आपको ध्यान देना है कि कहाँ पर कैसे करना है, तो सब अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को फिर से देख लीजिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि ये त्रिकोणमिति चार्ट कैसे बनाते हैं। अगर आपको समझ में आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए, और अपने लोगों को अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।